खाकी पर दाग कई बार लगे हैं, जिसके चलते हर बार खाकी को शर्मसार होना पड़ा है। तो एक बार फिर से कानपुर देहात पुलिस सुर्खियों में आ गई। वो अपने कारनामों और कार्यशैली से पूरे महकमे को दागदार कर बैठी। ताजा मामला कानपुर देहात का है, जहां पिछले 20 वर्षों से आजीवन कारावास जेल में सजा काट रहे शख्स को कई गंभीर मामलों में 25,000 के इनामी बदमाश को पुलिस ने बिना जांच पड़ताल किए ही वाहन चोरी के मामले में आरोपी बना दिया। अब सवाल इस बात का है कि जो व्यक्ति 20 साल से जेल में सजा काट रहा है, उसने वाहन चोरी कैसे की और पुलिस ने उसको आरोपी कैसे बनाया। तो चलिए पूरी खबर की कहानी को जब विस्तृत रूप में आपको समझाते हैं। दरअसल आजीवन कारावास के मामले में सजा काट रहे कैदी को कानपुर देहात की पुलिस ने चोरी के मामले में आरोपी बना दिया। फतेहपुर के इब्राहिमपुर कल्याणपुर के रहने वाले जयसिंह की तहरीर पर वाहन चोरी के मामले में कानपुर देहात के अकबरपुर थाना क्षेत्र के 12 गांव के रहने वाले समीम और आफ्ताब पर बाइक चोरी की एक तहरीर दी गई और उस पर अकबरपुर पुलिस ने मुकदमा भी दर्ज कर दिया। इस पूरे मामले में विवेचना कर रहे अकबरपुर थाने के दारोगा राजेश सिंह ने अपनी विवेचना के दौरान कागजों में कुछ ऐसा जिक्र किया जिससे पुलिस महकमा शर्मसार हो गया। अकबरपुर थाने में तैनात दारोगा राजेश सिंह ने अपनी विवेचना में जिक्र कर दिया कि वह वाहन चोरी के मुकदमे में नामजद आरोपी आफ्ताब के घर गए थे और घर पर उन्होंने आफ्ताब का बयान दर्ज किया, जबकि आफ्ताब पिछले 20 वर्षों से उन्नाव के जेल में सजा काट रहा है। वहीं दूसरी तरफ इस मामले में आरोपी बनाए गए दूसरे शख्स का भी नाम सुन लीजिए। दूसरे शख्स का नाम है समीम, जिसके ऊपर 20 मुकदमे दर्ज है। कानपुर देहात की पुलिस ने उस पर 25,000 का इनाम घोषित किया है, लेकिन वह पुलिस की जांच से बाहर है और फरार चल रहा है। अकबरपुर थाने के अपराधियों की हिट लिस्ट में शामिल समीम 25,000 का इनामी था, जिसे कानपुर देहात के एसपी ने उस पर 25,000 का इनाम घोषित किया था, लेकिन राजेश सिंह यादव उसी थाने में तैनात होने के बाद भी वे ये नहीं जान पाए कि कितना बड़ा अपराधी है और अपनी विवेचना में बाइक चोरी के आरोप में इसका जिक्र भी नहीं किया और उसको उसका नाम भी बाहर कर दिया। थाने में बुलाकर उसका बयान तक दर्ज नहीं किया। इतना ही नहीं बल्कि अकबरपुर थाने में विवेचना कर दरोगा राजेश यादव की विवेचना पर अकबरपुर थाने के कोतवाल विनोद पांडे ने भी उसकी कार्यशैली पर अपनी मोहर लगा दी। सर, अकबरपुर थाने में एक मामला आया है जिसमें बाइक चोरी के मामले में दो लोगों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया था। उसमें एक शख्स जो है जिसके ऊपर आरोप है वो आजीवन कारावास काट रहा है और दूसरा शख्स 25,000 रुपये का इनामी है, लेकिन पुलिस ने जो उसमें जांच लगाई है उसमें ये लिखा है कि जो 25,000 का इनामी है उसको थाने में बुलाकर उसका बयान दर्ज किया है, बल्कि वो यहाँ नहीं था। दूसरी बात ये कि जो दूसरा शख्स है जिसके खिलाफ भी यही चोरी का ही मामला दर्ज है वो आजीवन कारावास है, तो उस पीरियड में जब वो नहीं था तो उसके खिलाफ चोरी की रिपोर्ट दर्ज हो गई, इसमें क्या जाँच हो रही है? इस प्रकरण के संबंध में पूर्व क्षेत्राधिकारी अकबरपुर द्वारा रिपोर्ट प्रेषित की गई थी, जिसके क्रम में पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा आदेश किया गया है और इसकी प्रारंभिक जांच क्षेत्राधिकारी रसूलाबाद द्वारा की जा रही है। जांच रिपोर्ट आने बाद जो नियमानुसार कार्रवाई होगी वो की जाएगी। क्या सर मानते हैं कि इस तरीके की जो कार्यशैली हुई है, जिस तरीके से जांच की गई है, उसमें कहीं ना कहीं जो कमी पाई गई है राजेश यादव जी की? ये प्रकरण की जाँच आ जाएगी, उसके उपरांत ही इसमें निर्णय लिया जाएगा। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।